प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 में एक्सरसाइज 5.4 लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा दिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डेड डैश प्लस e की पावर x की पावर 5। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें डिवाइड एक्स निकालना है। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx, बैठ लाएंगे ex प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डेड डैश प्लस e की पावर x की पावर 5। ठीक है, e प्लस q प्लस r आ रहे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? d अपॉन dx e की पावर x प्लस d अपॉन dx e की पावर x स्क्वायर प्लस डेड डैश प्लस d अपॉन dx e की पावर x की पावर 5। क्लियर हो गया? अब ex का ex होता है फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला होता है ex का, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है तो हम इस x स्क्वायर को x मान लेंगे। तो ex हो जाएगा ex, x हमने माना था x स्क्वायर, हम लिखेंगे x स्क्वायर। हमने इसको x माना इसीलिए हम इसका करेंगे द्वारा अवकलन प्लस डेड डैश प्लस, ऐसे हमने यहाँ x स्क्वायर को ए एक्स मान लिया तो क्या हो जाएगा? e की पावर x की पावर 5 इंटू इसको हमने x माना था इसलिए इसका करेंगे द्वारा अवकलन x की पावर 5। e की पावर x प्लस e x स्क्वायर इंटू ये x की पावर n, देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, दो में से हम एक घटाएंगे प्लस डेड एक्स प्लस e की पावर x की पावर 5 इंटू, ऐसे यहाँ ये जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1। एक लाइन बाहर आऊंगा इसीलिए यहाँ ताकि एकदम क्लियर हो जाए तुम्हें। e की पावर x प्लस इस 2 को हम आगे ले लेंगे और x को भी यहाँ पावर 1 बचेगी, इसको हमने आगे लिख दिया और e की पावर x स्क्वायर प्लस डेड एक्स प्लस, ऐसे ही इसको हमने आगे लिख दिया 5 को x 5 माइनस 1 4 बचेगा, x की पावर 4 हो गया इंटू e की पावर x की पावर 5, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। ठीक है, लिखेंगे x का अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx स्क्वायर रूट में e स्क्वायर रूट पावर अंडर रूट x। ठीक है, अब देखो हमने पहले लिखा था फॉर्मूला अंडर रूट d अपॉन dx, ये हमारा अंडर रूट x है, इसको क्या कर सकते हैं? x की पावर 1.2 कर सकते हैं, ये रूट है स्क्वायर रूट है, इसको हम उसके पावर लगा सकते हैं x की पावर x टेंस टू पावर 1.2 हो जाएगा, तो इसका क्या करेंगे अवकलन x टेंस टू 1.2 का हो जाएगा x की पावर n, क्या होता है फॉर्मूला d अपॉन dx x की पावर n का क्या होता है? n इंटू x की पावर n माइनस 1, तो n तुम्हारा 1.2 है इंटू x 1.2 माइनस 1 1.2
इनटू एक्स की पावर माइनस वन टू आएगा, इसको नीचे लाएंगे पावर प्लस ही हो जाएगी, तो जाएगा एक्स की पावर वन वन टू, क्या हो जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको करना है, क्या करेंगे हमने इसको ये जो लिखा है ये लिखा है अंडर रूट, ये वाला संख्या हमारी अंडर रूट में ऐसे, तो हमने इसको पूरे को क्या मान लिया एक्स मान लिया, जो मैंने बोला क्या जो मैंने संख्या इसको हमने एक्स मान लिया, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का होगा हमने किया ये आया, क्या हो जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, एक्स हमने ये माना था यहाँ द्वारा जाएगा ऐसे इन टू, जो हमने एक्स माना ये बोला जो किया मैंने इसको द्वारा करेंगे अवकलन डी अपॉन डी एक्स ए की पावर अंडर रूट एक्स, क्लियर हो गया वन अपॉन टू अंडर रूट ए की पावर अंडर रूट एक्स इन टू, इसको हमने द्वारा से एक्स मान लिया अंडर रूट एक्स को, तो क्या हो जाएगा ई एक्स, ई एक्स का अपने एक्स होता है, क्या हो जाएगा ई अंडर रूट एक्स हो गया ये इंटू जो एक्स आना उसका द्वारा करेंगे, अब इसको हमने ऐसे ऐसे लिखते ऐसे लिखा है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये अंडर रूट एक्स अंडर ये हो गया हमारा इसका वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, ये जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, क्लियर हो गया। अब इसको पहले आगे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये टू और टू फोर हो जाएगा, तो वन अपॉन फोर अंडर रूट एक्स इंटू ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन ये अंडर रूट में ई की पावर अंडर रूट एक्स। अब देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं, हम इस पूरे को एक्स मान लिया तो क्या हो जाएगा एक्स बटे अंडर रूट एक्स होगा, नहीं होगा भाई ए की पावर अंडर रूट एक्स को हमने एक्स मान लिया, ये ई की अंडर रूट एक्स है, यहां भी एक्स लगा देंगे क्या हो जाएगा एक्स बटे अंडर रूट एक्स, तो इस अंडर रूट एक्स से ये एक्स अंडर रूट एक्स वाला कट जाएगा, क्यों कट जाएगा क्योंकि हम एक्स को ले सकते हैं, एक्स हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, हुआ नहीं होगा, तो हमने इसके स्थान पर ये लिख दिया, अर्थात हम आगे कर रहे हैं इसको वन अपॉन फोर अंडर रूट एक्स इंटू ये है, इसको हम कर दिया अंडर रूट ए की पावर अंडर रूट एक्स, ए की पावर अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट ए की पावर अंडर रूट एक्स, ऐसे कर दिया अपॉन ये हमारा है ये ई की पावर अंडर रूट एक्स, क्लियर हो गया नहीं हुआ, तो अब इससे हम इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन ये अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब अंडर रूट टू लिखा है ऊपर, नीचे अंडर रूट थ्री लिखा है, या ऊपर अंडर रूट बाई लिखा है और नीचे अंडर रूट ऊपर अंडर रूट एक्स लिखा है नीचे अंडर रूट बाई लिखा है, क्या कर सकते हैं हम उसको लिख देंगे अंडर रूट एक्स बटे बाई, क्लियर हो गया। इसको ऐसे ही इसी को कर देंगे हम, इसको भी कर देंगे ऐसे ही वन अपॉन फोर अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स ए की पावर अंडर रूट एक्स बटे एक्स, क्लियर हो गया, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, उम्मीद है सामने आ गया होगा। बस इतना है कि जो हमारा फॉर्मूले से अलग बनता है, जैसे फॉर्मूला बनता है हमारा साइन एक्स का, तो एक्स के स्थान पर संख्या और कोई आ रही है उसको हम सीधा पूरी संख्या को एक्स मान लेते हैं और तब लाके तब करके फॉर्मूला लगाएंगे और जो हमने एक्स माना उसका द्वारा करेंगे, क्लियर हो गया। द्वारा को समझा ऐसे क्वेश्चन है ये ई की पावर अंडर रूट एक्स को हमने यहाँ पूरा कर दिया, मैंने इसको एक्स मान लिया तो अंडर रूट एक्स का वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स होता है, जिसको हमने एक्स माना उसका द्वारा कर दिया अवकलन, ये संख्या सेम आ गई, इसको हमने अब एक्स मान लिया अंडर रूट एक्स को क्योंकि फॉर्मूला ई एक्स का होता है, तो ये हो गया ई की पावर एक्स हो गया फॉर्मूला,
एक्स के स्थान पर अनुरूप एक्स लगाया इंटू इसको हमने एक्स माना था तो हमने द्वारा इसका अवकलन कर दिया, ये सेम लिख दिया, ये सेम लिख दिया, ये हो जाएगा वन अपॉन टू अनुरूप एक्स, इसको हमने आगे लिया तो टू और टू फोर हो जाएगा इंटू में अनुरूप एक्स आगे लिख दिया और ई की पावर अनुरूप एक्स बटे अनुरूप ई की पावर अनुरूप एक्स, ये हो गया। इसको हमने दो जगह छोड़ दिया स्क्वायर रूट गया उसमें और ये सेम आगे से कट गया, ये बचा इसको हमने एक वैल्यू लगा के एक स्क्वायर रूट के अंदर में लिख दिया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन नहीं है बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। आगे है एट क्वेश्चन, वाई इक्वल टू लॉग डेट में दो एक्स, लॉग डेट में दो एक्स, इसमें क्या करेंगे फॉर्मूला होता है हमारा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है, लॉग क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स है और यहाँ ये लॉग हो गया, लॉग हमारा ये हो गया और एक्स के स्थान पर हमारा ये लॉग एक्स आ रहा है, लिखेंगे एक्स आप ओपन करने पर पहले एक्स के सापेक्ष, ये तो प्रत्येक क्वेश्चन लिखना है हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और यह लिखेंगे लॉग डेल्टा में लॉग एक्स, हमने इसको एक्स मान लिया ठीक है, तुमको गोला नहीं करना, ये गोला मैं सिर्फ तुमको समझाने के लिए कर रहा हूं हम क्या एक्स मान रहे हैं, तो इसको हमने एक्स मान लिया लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का क्या होता है वन पॉइंट एक्स, एक्स हमने इसको माना तो यहां ये लिखेंगे बोलेंगे हम एक्स लेके लिखेंगे हम लॉग एक्स, क्लियर हो गया इंटू इसका करेंगे हम द्वारा अवकलन, जो हमने एक्स माना था उसका द्वारा करते हैं वन पॉइंट लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स क्या हो जाएगा वन पॉइंट एक्स हो जाएगा और एक्स को आगे लिखेंगे क्या हो जाएगा वन पॉइंट एक्स इंटू लॉग एक्स, वन इंटू वन वन हो गया और एक्स लॉग एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स को हमने आगे लिख दिया ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ वाला है, नाइन्थ वाला है वाई इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, इसमें देखो क्या लगेगा फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हमने पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया पी बटे क्यू वाला अंश बटे हर वाला लगेगा तो क्या होता है हर मतलब क्यू इंटू अंश का अवकलन डी अपॉन डी एक्स पी माइनस हर गुणा अंश का अवकलन हर मल्टीप्लाई अंश का अवकलन माइनस अंश पी हो जाएगा इंटू हर का अवकलन हो जाएगा बटे हर का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, लिखेंगे पहले एक्स के सापेक्ष एफ के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, क्लियर हो गया। अब पी बटे क्यू वाला लगाएंगे वाला फॉर्मूला मतलब हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे अपॉन हर का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो इसमें बच्चे या तो कहा गलती करते हैं, बच्चे गलती कर जाते हैं कि मान के स्थान पर प्लस साइन लगा जाते हैं क्योंकि जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला होता है उसमें प्लस होता है तो वो इसी चक्कर में इसको माइनस को प्लस कर जाते हैं, यही गलती कर जाते हैं, इसको ध्यान रखना है कि यहाँ डिवाइड वाले में माइनस आता है और मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले में प्लस आता है। करेंगे इसको आगे,
log x into, देखो cos x क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस साइन x माइनस cos x, इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब इक्वल टू, देखो इसका हम बट एक मान सकते हैं, थोड़ा नीचे करूं उसको मैं, तो इसका मैं इसका बटे आ रहा है एक्स, तो मैं इसका बटे या वन मान सकता हूं, ठीक है। तो लॉग एक्स इंटू माइनस साइन एक्स बटे एक और कॉस एक्स बटे एक्स का, अब एलसीएम एक्स आएगा तो एक्स एक्स में बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस साइन, आगे ले रहा हूं साइंस को, आगे ले लूंगा क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स और लॉग एक्स, एक्स अगर एल्जियम लेने के बाद में तो एक्स माइनस आगे आगे लिया माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस ये वाला माइनस साइन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स अपॉन ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसका बटे एक मान लें तो ये पहुंचेगा ऊपर और ये आ जाएगा अंदर, मतलब बाहर बाहर के मल्टीप्लाई संख्या होगा और अंदर अंदर संख्या होगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहां लिख रहा हूं मैं, यहां से चाहो तो माइनस का कॉमन ले लो, माइनस का कॉमन लेंगे तो सारा प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ये एक्स, इसमें आ जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स का होल, इसका ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन क्वेश्चन को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, बस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से रखना है कि गलत हो लग जाए। ये लास्ट क्वेश्चन है टेंथ इस एक्सरसाइज का, क्या हो जाएगा y इक्वल टू कॉस और ब्रैकेट में log x प्लस ex, log x प्लस ex क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, हम एक भी स्टेप छोड़ नहीं रहे अभी, क्योंकि तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा तब तुम अपने आप इसको स्टेप को छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर हम अभी छोड़ेंगे तो तुमको समझ में कम आएगा। ये कर दिया हमने डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉस डेवलपमेंट लॉ एक्स प्लस ई एक्स, हमने इसको देखो इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है कॉस एक्स का, क्या हो जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस ई एक्स, ये होता है इसको हमने एक्स माना था तो इसको इंटू करके दोबारा करेंगे इसका अवकलन, ब्रैकेट में लगाएंगे इसको, ठीक है। अब माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स इंटू यहां लगेगा p प्लस क्यू वाला फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स पी प्लस क्यू, क्या होता है डी अपॉन डी एक्स पी प्लस डी अपॉन डी एक्स क्यू, क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ई एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस ई एक्स इंटू, देखो इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स, उसका क्या हो जाएगा ई एक्स, ठीक है। हम इसका अपना फॉर्मूला मान लेंगे माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स, इसका हम अब ऐसे हम लेंगे एक्स आएगा भाग देंगे एक्स आएगा बढ़ जाएगा प्लस आएगा प्लस
ये एक्स का एक्स एक्स हो जाएगा, क्यों एक का भाग करेंगे एक्स में तो एक्स आएगा, एक्स का भाग करेंगे एक्स में तो एक्स इंटू ई एक्स ये आएगा। ठीक है, एक्स को लाओ आगे लिख दो माइनस वन अपॉन एक्स इंटू साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स इंटू वन प्लस एक्स ई एक्स एक्स ई एक्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा, और कोई भी हमारी कठिन एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारी एक्सरसाइज 5.4 आज फिनिश हो गई, कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेंगे।